मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके बाप से उसका हाथ मांगने से डरता हूँ। लड़की बड़ी बदमाश है, कभी कभी वो लेट आती है। फिर तो लेट आई आज, फिर तूने वेट करवाया। हाँ 3 किलो कम हो गया है, 140 पे आ गई हूँ। अरे मोटी बुद्धि, मैं इंतजार वाले वेट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या, नीचे सब टाइटल थोड़ी चल रहा है जो स्पेलिंग पढ़ लूँ। और ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रही हो। राजू तुम भूल गए, आज पापा से तुम मेरा हाथ मांगने वाले हो। सिर्फ हाथ और हाथी? ये कॉमेडी सर्कस है, ये मजाक मत करो। और जाओ जाकर ढंग के कपड़े पहन के आओ। इन कपड़ों में क्या खराबी है, ये तो बड़ा टॉइंग है। और मैं तुम्हारे बाप के पास क्यों जाऊं, उसे यहाँ बुलाओ, आखिरकार हम लड़के वाले। ओए लड़के वाले, मैं अपने पापा को बुला तो लूं, लेकिन मेरे पापा बड़े तेज हैं, आज तक से भी ज्यादा। मेरे पापा कबीले के सरदार हैं। ओ सुरेंद्र पाजी आप हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी मोटी बेटी के बाप। लगता है पापा को बुलाना ही पड़ेगा। पापा 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 पापा। ओह गॉड। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे कबीले के 3 नियम हैं। और ये शहंशाह की ड्रेस में मोहब्बती लाइन कौन बोल रहा है? ताजू, तुम्हारा पापा है। पापा, ये टार्जन है, टार्जन। ये मेरे गार्जन है। ये है तुम्हारी पसंद? मुझसे पूछे, उससे पूछ रहे हो। ये है तुम्हारी पसंद? हाँ पापा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बेटी अब तुम बच्ची नहीं रही, और ये शादी के लायक है। शादी से पहले ही सुहागरात वाली फील दे रहा है लड़कों का मल्लिका शेरावत। टार्जन के बीच में टार्जन की बेइज्जती ना करो। कबीले के सरदार की बेटी की शादी इससे कभी नहीं। पापा थिंक हटके, थिंक हटके। पापा इसको जयमाला डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसके कपड़े देखे आपने, कपड़े कितने गंदे हैं। खरगोश को शेर से बचाते वक्त दाग लग गए थे। और पापा अगर किसी के फायदे के लिए दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। और वैसे भी ये जो कपड़े जो मैंने कम पहने हैं, इसमें लोग मुझे जंगल का सलमान खान कहते हैं। अबे ओ जंगल के सलमान, प्लीज पहले एक बात का जवाब दे, कितने प्रतिशत भारती ये जानते हैं कि तेरे सर के बाल तो बढ़ते हैं लेकिन दाढ़ी के नहीं। शादी के बाद मेरी हाथी जैसी बच्ची को तू कहाँ रखेगा? शादी के बाद तेरी बेटी मेरी हो जाएगी। हाँ जैसे जहाँ भी रखूँ तो उससे मतलब। टार्जू से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अच्छा ये बता, कुछ कमाता वमाता भी है? हाँ बस खर्चा पानी निकल जाता। ये इतना खर्चा कराती है कि आंख से पानी निकल आएगा, समझा? शादी के बाद थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा अपने लिए और बहुत इसके लिए। हाँ मुझे विश्वास है कि शादी के बाद तो कुछ कर ही लेगा तू, लेकिन मुझे ये बता कि तूने तेरा नाम क्या बताया था? पापा। तारजू। पूरा नाम टार्जन जाधव। जाधव? तुमने तो कहा था यादव। हमारा नाम तो यादव ही है, क्या करी, जंगल महाराष्ट्र में पड़ता है ना। राज की बात आज बता रहे हो? अरे भैया हम भी तो यादव हैं। तो पप्पू पास हो गया। अरे पप्पू पास हो गया। अरे तो पप्पी पप्पू के साथ चल। चल। अरे तू कहाँ? अरे हम भी तो घर ससुर बन के रहेंगे। पापा से आहा तक। तो रोहित, क्या आप प्रपोज करना चाहेंगे सरदार की बेटी को? इनको अगर मैंने प्रपोज कर दिया तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। जो आप लोगों ने परफॉर्म किया, एक ही चीज कह सकता हूँ, व्हाट एन आइडिया सर जी। ग्रेट टाइमिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सुपर्ब स्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच। एंड तीन लोगों के बीच में, अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ यार, तुम लोग गले मिलके क्या जा रहे हो? हम लोगों को थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे दो। परेश, यू आर ब्रिलियंट, आप स्टेज करते हो। शरद, परेश के साथ खड़े रहना और उस लेवल पे जाना इतना आसान नहीं है। एंड ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अर्चना, एक एक पंच आप लोगों की स्क्रिप्ट का माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप तीनों में से किसने बेहतर किया? आई कैन नॉट से। सच अ ब्रिलियंटली बैलेंस स्क्रिप्ट एंड परफॉर्मेंस। पंच अपॉन पंच अपॉन पंच वाज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। मेरी तरफ से क्या नहीं। रोहित, आप इन्हें क्या मार्क्स देंगे? मैं बहुत रियलिटी शोज देखते रहता हूँ। कोई जज 100 का नोट निकाल के देता है, कोई सीटी मार देता है। क्या अलग करें हमने सोचा। मैं गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, साइज देख लो एक बार। चलेगी चलेगी चलेगी। दे दीजिए। हमारी सरकार ने ये दावा किया है कि जंगलों को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन अपने यहाँ तो कोई कुछ भी दावा करता रहता है। महेश भट्ट जी दावा करते हैं कि हर फिल्म उनकी जिंदगी पर ही आधारित है। रोहित दावा कर रहे हैं कि उनके डोले अर्चना से बड़े हैं। रोहित, आप तो ये दावा हार गए। लेकिन हमारे अरब के पठान अपना दावा हारने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिनका दावा है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाले वो पहले इंसान हैं। उनके दावे को कैप्चर कर रही है रिपोर्टर श्वेता, और उनके दावे पर तड़का लगाने आए हैं बाबा रहमान। प्लीज वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो 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 हेलो, हाय, आई एम श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं BBC, यानी बहुत बढ़िया चैनल। ये आज इस एवरेस्ट की चोटी पर एक आदमी चढ़ने वाला है पहली बार। अरे हम पहुंच गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमको यकीन नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो आदमी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। चलिए उसे टाइम पास करते हैं, मेरा मतलब है बात करते हैं। सर, आप इस एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले आदमी हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमसे पहले तो तुम इधर पहुंच गया। हाँ, लेकिन मैं तो औरत हूँ ना, आदमी तो आप ही हैं। हम आदमी हैं? कोई शक है? हम पठान है, पठान। सर, आप कौन सी कंट्री से हैं? जब हम नीचे से ऊपर चला था तब भी तुम हमको यही क्वेश्चन पूछी थी। आदमी छोटी सी ऊंचाई पर चढ़ता है ना तो बदल जाता है, फिर आप तो एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़े हो सर। नहीं 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 नहीं, हम कोई मुशर्रफ थोड़ी है जो अपना बात से पलट जाएगा। हम अभी भी अरब से ही हैं। गुड। नहीं, पठान। सर, आप ये बताइए कि आप यहाँ कितने बजे आए? यार, मेरा कॉल टाइम 9 बजे का था। और रोहित और अर्चना पहुंचे ना, बस साथ साथ मैं भी पहुंच गया था। अब एक घंटा कर, अगर अनिता कैरेक्टर के बाहर गया ना तो इस एवरेस्ट की चोटी से। नहीं, सॉरी यार, बोल। सर, आप ये बताइए कि आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ तो गए हैं, इसके आगे आपका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा है, बस आपको इसको इधर गाड़ने का है। कौन है? अबे प्रीतम, तुम इधर क्या कर रहा है? फिंगर ऑन योर लिप्स। हम प्रीतम नहीं है, हम ओरिजिनल है। आइस ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि आपने देखा, इस एवरेस्ट की चोटी पर पहले से ही कोई मौजूद है। आप कौन हैं बाबा? बाबा बोलकर पूछ भी रही हो बेबी। मेरा मतलब है आप यहाँ कब से हैं बाबा? छोटा था तब से। कौन तुम? नहीं पहाड़। 120 साल से हम यहाँ पे बैठ। तुम्हारा उम्र कितना है? 150 साल। क्या फेंकता है बाबा? जब तुम्हारी बा 75 की हो सकती है तो मैं तो बा हूँ। बाबा एक बात बताओ, हमको इतना ऊंचाई पे इतना ठंड लग रहा है, तुमको पसीना आ रहा है? इतने सालों के बाद जब हसीना दिखाई दी तो कम से कम पसीना तो निकलेगा ही ना। कौन है ये? इसको क्या मेले में से छल्ला डाल के जीत के लाई हो? कौन है भाई? ये अरब के पठान हैं और अभी अभी इस पहाड़ पर चढ़े हैं। ये पठान लोग अब पहाड़ पे भी चढ़ने लगे। बाबा हम पठान हैं और पठान अगर एक बार ठान लेना तो वो करके ही दम लेता है। दम ले लिया, निकल। पहली बार इस पहाड़ पे कोई जड़ी ब्यूटी देखने को मिली है। काफी पियोगी? कॉफी? ब्रेकिंग न्यूज, इस पहाड़ पर कॉफी कौन लेकर आएगा? एक लड़का है। लड़का? तुमको कॉफी में इंटरेस्ट है कि लड़के में? नहीं बाबा, हमारा पूछने का मतलब है कि वो लड़का इतना ऊपर तक आएगा? पैसा कमाने के लिए जब आदमी कितना भी नीचे जा सकता है तो ऊपर तो आ ही सकता है। और वो देखो, वो दोनों तो हमसे भी ऊपर बैठे हैं। बाबा ये हथेली पर आप क्या कर रहे हैं? ये मसाला बना रहे हैं। अरे बाबा, वो एवरेस्ट मसाला तुम ही बनाते हैं? एक बात बताओ, तुम इस ऊंचाई पे क्यों आए हो बे? वो बाबा, हम सुना है कि इधर बहुत शक्तिवर्धक जड़ी बूटी मिलता है। तुम खाती कि नहीं? खाती नहीं खाता। पर हम ये बूटियां खाकर करेंगे क्या? हाँ? मतलब कनेक्शन तो लगवा लेंगे, कॉल किसे करेंगे? बाबा हाँ। तुम हमको एक बार मिस्ड कॉल तो मार के देखो। सच्ची? आओ हमारे साथ। किधर? तुमको नेटवर्क एरिया में लेके चलता है। अरे पहले मुझे बताकर जाओ कि एवरेस्ट पर पहले चढ़ा कौन? अरे मैं क्या बताऊंगी? देखा आप लोगों ने, लगता है अरब ने बना दी जोड़ी। रोहित, क्या लगता है आपको, ये चढ़ पाए हैं हंसी के एवरेस्ट पर? बिल्कुल चढ़ पाए। जो ब्यूटी थी पूरे एक्ट की, ये टू द पॉइंट और शॉर्ट एक्ट था। हमारे जो ये राइटर हैं, ये इट्स सो डिफिकल्ट एक एक्ट लिखना। हमारी फिल्में, कॉमेडी फिल्में गवाह हैं इस बात की। आई एम एक्सक्लूडिंग यू इन ऑफ दैट। लेकिन हमारी कितनी सारी खराब लिखी हुई कॉमेडी फिल्में हैं। पूरी फिल्म में मैं जब थिएटर में जाती हूँ, देखती हूँ 4 पंचेज होते हैं पूरी फिल्म में और उन 4 पंचेज पर पूरी फिल्म चल जाती है। हियर आप लोग पंच अपॉन पंच अपॉन पंच। ग्रेट राइटर्स एंड ग्रेट परफॉर्मर्स। तो आइए अब जान लेते हैं मार्क्स। अर्चना, इट गोज ऑन विद अनदर परफेक्ट। इस बार इनके साथ साथ जो ब्रेन है, मैं राइटर के लिए कुछ देना चाहूंगा। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेल सेड रोहित, एब्सोल्युटली राइट। कल इस जंगल की शेरनी ने मुझसे कहा, हमारे पास शेर है, चीते हैं, हाथी है, तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा, मेरे पास अर्चना है। नहीं, मैं उसे डरा नहीं रही थी। मैं तो सिर्फ डिफरेंस बता रही थी कि एक अर्चना है जो इस सर्कस के किसी को भी अपने घर ले जाती है, मेहमान बनाकर ऑफ कोर्स। और एक ये मिसेस शेरनी है जो सर्कस से आए मेहमान शेरनी की बेइज्जती कर रही है। प्लीज वेलकम जंगल के शेर जसवंत, मिसेस शेरनी सलोनी और सर्कस की शेरनी स्मिता। काश कि मैंने शादी ना की होती, आज मैं भी किसी यंग ब्यूटीफुल और प्रिटी शेरनी से चक्कर चला रहा होता। जवान शेरनियां देखे अरसा बीत गया है। कहने को जंगल का राजा हूँ लेकिन अपनी बीवी का बाजा बन के रह गया हूँ। आई एम किंग। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कब वी मेट? तो आई हूँ, इससे पहले मैं सर्कस में काम करती थी। इसलिए तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है। फिगर की तो पूछो ही मत। सर्कस के मालिक ने मेरे फिगर से इम्प्रेस होकर अपने सर्कस का नाम मेरे नाम पर रख लिया था, मोना सर्कस। मोना, क्या तुम चाहोगी मेरी होना? अरे किधर हो? किससे बातें कर रहे हो? ओ कुछ ये कितनी सुंदर सी प्यारी सी बच्ची है। तुम्हारी भांजी भतीजी है क्या? ओ सॉरी, पोती होगी। Excuse me, don't insult. मैं इनकी पोती नहीं, इनकी ताजी ताजी गर्लफ्रेंड हूँ। जानती है मैं कौन हूँ? या हाँ, मैं ना इनको पहचान गई। आप जरूर ना इनकी मम्मी होंगे। पाए लागू मम्मी जी, आपको आपकी बहू का प्रणाम। हट, ये क्या बिस्तर में माँ क्या बन गई? इस बार भी वही बनूंगी क्या? इस बार मैं इसकी बीवी है। मुझे तुम्हारे से बहुत हमदर्दी है। मैं तुम्हारी हमदर्दी को प्यार समझ के एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने सुना है प्यार अंधा होता है, लेकिन इस बार तो देख भी लिया। क्या नजर आता है तुझे इसमें? देख जा कितनी सुंदर है, जवान है, शहर से आई है। अरे अकल के अंधे, मैं इससे पूछ रही है। क्या नजर आता है तुझे इसमें? Well, ये टॉल है, डार्क है, हैंडसम है, जंगल का राजा है, सिंह इज किंग। जंगल का राजा नहीं, मेरा प्राइवेट बाजा है। अब इसे आती है, इधर आती काटी है, तू इधर जा। देखा कैसी कैसी आवाजें निकलती है इसमें से। और एक सुन, हटो हटो, उठो। तुम इतनी जालिम औरत के साथ कैसे रहते हो? क्या करूं, शिकार यही लेकर आती है, वैसे भूखा मरना पड़ जाएगा। Don't worry, अगली बार से शिकार मैं करके लाया करूंगी। ये एक बार सोच ले, ये सर्कस से आई है, शिकार की आदत नहीं होगी। और जब पता, जब तू इंसान को देखता है तो क्या करता है? और जब तू इंसान को देखती है तो क्या करती है? नासी, नासी, नासी। इंसानों को देख के हाथ जोड़ती है। अरे जब पिछवाड़े पे हंटर पड़ता है तो सब कुछ अपने आप ही छूट जाता है। हंस क्यों रही है? हंस नहीं रही है, सोच रही है कि जब हंटर के निशान पड़ते हैं तो तुम पीछे से शेरनी कम और ज़ेबरा ज़्यादा दिखती होगी। मैनर्स नहीं है तुम्हें, घर आए मेहमान की इस तरह बेइज्जती करते हैं। पहली बार आए कि इस शो में बेइज्जती करने के इस नंबर मिलते हैं। Oh my God, really? मैं किसकी बेइज्जती करूं? रहमान की करूं, please। रहने दो, वो तो पहले से ही नंगा है। अच्छा ठीक है, भारती की कर लो। इतना बेइज्जती का साइज कहाँ से लाएंगे? ऐसा करो, आपस में एक दूसरे की कर लो। अभी हम हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये है ना हमारी बेइज्जती करने के लिए। तो चलो हो जाओ शुरू। आइए हमारी रिंग मास्टर से पूछते हैं कि इनका एक्ट उन्हें कैसा लगा। अर्चना जसवंत, आपके जो नाना पाटेकर टाइप जो आपने जो इसमें डाला है, उससे इसमें थोड़ी एनर्जी आई है। और छोटी सी सलोनी, आपने भी बहुत एनर्जी डालने की कोशिश की। दिस स्टेज हैज़ गॉट ट्रिमेंडस स्कोप, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया जो मुझे लगता है, और वो दायरा अभी छोटा हो गया है। सेकेंड एपिसोड है हालांकि, लेकिन यू हैव टू गेट आउट एंड रिलीज योर एनर्जीज एंड थिंक ऑफ बेटर पंचेज। थैंक यू रोहित। एक्चुअली यू नो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, एक अलग लेवल पे जा सकते थे कि एक वाइल्ड शेर है जो जंगल में रहता है और एक शहर से आया हुआ है सर्कस का शेर, तो वो कैसे हो जाता है मतलब। तो वो चीज़ निकल के नहीं आ रही थी। एक बहुत सिंपल थियरी होती है जिसपे मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ एक्चुअली। अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो ऑडियंस एंजॉय करेगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हम ये कर रहे हैं और ऑडियंस एंजॉय करेगी, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आइए जान लेते हैं मार्क्स। अर्चना, अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं आपको 6 ही दूंगी। रोहित, आई विल गिव यू 7। दूर जब इस जंगल में कोई शेर दहाड़ता है तो शेरनी कहती है, हाँ हाँ कुछ दिन और दहाड़ लो, अब तो जंगल में भी पॉलिटिशियंस आ गए हैं, जल्दी ही ना तुम्हारी राजागिरी रहेगी ना ही गद्दी। जी हाँ, पार्टी से निकाले गए नेता अडवाणी और लालू आ गए हैं इस जंगल में, एंड एज ऑब्वियस यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा मीडिया वालों ने। प्लीज वेलकम द हैंडसम डैशिंग अडवाणी राजा और जवां दिलों की धड़कन, हर कन्या का ख्वाब लालू संजय, साथ में हॉट एंड हैपनिंग रिपोर्टर भैरवी। जैसे तैसे उम्मा से पीछा छूटा, अब ये दमा पीछे पड़ गया है। गाँव हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बाल हमारा बाप, बात देखो अडवाणिया सांप है। अरे लालू जी, आप यहाँ जंगल में ये टॉर्च टॉर्च क्या कर रहे हो? लालटेन का जो है तेल खत्म हो गया था, तो टॉर्च लेके ना घूमेंगे रे बुढ़वा। टैन 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 डिश डिश। अरे बाकी बाराती कौन है रे? सर, मैं रेडियो की तरफ से आई। सर, रेडियो की तरफ से आई हो? तो एक कैमरा का है हाथ में? सर, मेरे चैनल का नाम रेडियो। सर, कुछ भी नाम रख लेते हैं, ट्रांजिस्टर चैनल रख लो। सर, इस जंगल का रिपोर्टर में सर, मैं यहाँ सब कवरेज करती। खुद तो कवर कर लो, खुद ही कवरेज से बाहर जा रही है। सर, सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं सर, बचपन से बस मेरा एक ही सपना था चैनल खोलने का। सर, खोल लिया। कैसे? सर, ये चैनल में काम मिला ना, हर रोज सुबह जाके मैं ही खोलती ताला। तुम्हारा नाम क्या है स्वीट गर्ल? सोनिया। सर, विदेशी भगाओ, इससे बचाओ। मैं उधर का सोनिया जिधर का इटली फेमस, उधर का नहीं जिधर का सोनिया फेमस। आज खुल के बताओ तो कुछ है। सर, मैं साउथ इंडिया से सर, मेरे माउथ से साउथ का फीलिंग आता होगा ना सर? आ रहा है। सर, आप इधर जंगल में क्या कर रहे हैं सर, बताइए। हाँ। ये तो ऑलरेडी जंगल में है, बल्कि इससे कुछ नहीं होगा, डरो मत। तो बुढ़वा कहाँ के हम एमएमएस देखने आए। सर, आपको नौ बच्चा है और आप एमएमएस देखते शर्म नहीं आती सर? नोकिया कनेक्टिंग पीपल। आज पता चला ब्लूटूथ का मतलब ब्लूटूथ क्यों होता है। अरे चुप, मुँह ना कान नाम जीना तमान। एमएमएस का मतलब भूलते हो? माया, ममता, सुषमा, ये तीनों हमारी भैंस है। अगर डू यू अंडरस्टैंड बफेलो? सर, बफेलो मिल गया सर? अभी तो साढ़े मिला है, बफेलो मिलेगा तो घर फोन कर देंगे। ओके सर, राइट। सर, आप इधर जंगल में क्या करते हैं? पार्टी ने निकाल दिया। अयो, कब? कल डांसिंग पार्टी थी। यू नो अडवाणी का डांस साला। अरे वो तो हमको भी पार्टी से निकाल दिया, करके मुंह काला। लेकिन सर, इनको तो डांस नहीं आते इसलिए निकाला, आपको क्यों निकाला? भाई, ये कुछ ज्यादा ही नाच रहे थे। सर, बस हो गया। अब मुझे ये बताओ, आप लोग जंगल में आकर आप लोगों को शेर से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता है, मैंने कई शेर मारे हैं। बहुत मानी जी, तब तो मौका भी है, माल भी है, वो शेर मारिए। सर, वो शेर नहीं सर, वो जंगल वाला शेर। क्या बोले, तुमको शेर से डर लगता है? सर, मैं क्या बताऊँ, एक बार मैं घोड़े पर थी और मेरे पीछे शेर। सर, बड़ा मजबूत घोड़ा था, इसको भी बैठा लिया और शेर को भी। सर, देश को नहीं, कम से कम शेर को तो सीरियसली लो सर। ठीक है, लेते हैं सीरियसली। सर, अब जानते हो, मैं आगे आगे, शेर मेरे पीछे पीछे, मैं राइट, शेर राइट, मैं लेफ्ट, शेर लेफ्ट। मैं इतना डर गई थी सर। फिर बच्ची कैसे बेटी? सर, मैंने आइडिया लगाया, घोड़े का इंडिकेटर राइट का दिखाया और लेफ्ट में टर्न कर लिया। क्या सोच रही हो, हम लोग जंगल में है तो पटना में दिमाग रख के आए का? घोड़ा का इंडिकेटर होता है रे पगली। सर, वो क्या है ना सर, हमारे स्क्रिप्ट में कोई जोक नहीं था तो मैंने जोक मार लिया, सॉरी। ये बहुत बोलती है, ये साउथ इंडिया की नवजोत सिंह सिद्धू है। चुप, अब ना लेफ्ट बोलेगा ना अपोजिशन बोलेगा, जो बोलेगा उस सेंटर बोलेगा। बोलिए महाराज। तो इनकी परफॉर्मेंस कैसे लगी आपको रोहित? मुझे खाली लगा कि एक लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाई। मुझे सैड इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म किया आप लोगों ने, बट You had a weak script, I would say. अर्चना, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी peaks and valleys थी स्क्रिप्ट में, इसीलिए आप तीनों की performance उतनी उभर के नहीं आ सकी, but brilliantly performed to a not so brilliant script. 7. आप लोगों ने जिस तरह से perform किया, इतनी मेहनत की, और वो निकल के आया, आपका साथ स्क्रिप्ट ने नहीं दिया. That's why I'll give you a 7. बड़े-बड़े celebrities. हर वक्त कैमरा की नज़र, इनकी हर हरकत की पूरी दुनिया को है खबर. नहीं, हम बिग बॉस की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो सेलिब्रिटीज़ को प्रिवेसी बेचने के पैसे मिलते हैं, लेकिन ये अत्याचार यहाँ फ्री में हो रहा है. जंगल के राजा और रानी पर हर वक्त हर जगह कैमरा लगाकर शेर भगवंत और शेरनी जेनिफर का जीना हराम कर दिया है डिस्कवरी चैनल की रिपोर्टर पारुल ने. प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज. डार्लिंग, आज 2 महीने के बाद हम जंगल में अकेले मिले हैं. आज मैं आपको अपने दिल की बात बता के देखिए जी, धीरे बोलिए ना, धीरे बोलिए, आजकल दीवारों के भी कैमरे होते हैं. यहाँ हमें कौन देखेगा? इस एंटीने के हिसाब से शेर और शेरनी यहीं कहीं होने चाहिए. वाह, वो रहे. शेर अपनी टांग को हिला रहा है, इसका मतलब ये जोड़ा फुल रोमांस के मूड में है. अरे बेड़ा घर को इस डिस्कवरी वाली का रोमांस का मूड बाद में बनता है, ये अपना कैमरा लेके पहले पहुंच जाता है. हमने शेर के गले में एक पत्ता डाल दिया है जो हमें बराबर से सिग्नल देता रहता है और हमें बताता रहता है कि ये कहाँ पे है. फिर मैं इनकी तरक्की के बारे में सोचती हूँ. अरे कैसी तरक्की की बात कर रही है? पत्ता डाल के मेरे गले में मुझे शेर से कुत्ता बना दिया. अरे ये तरक्की हो रही है क्या? अब जिधर जाता हूँ आवाजें आती है, टू 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 टू, पता नहीं कौन से चैनलों के सिग्नल कैच करने लगा हूँ मैं. हमारे रिसर्च ने शेरों के बारे में लोगों को काफी कुछ बताया है, इसीलिए हमने जंगल में बड़े-बड़े टीवी टावर लगवा दिए हैं, जिसका डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है. अरे टीवी टावरों से टीवी चले ना चले, लेकिन इन गिद्धों के मौज लगे हुए हैं. ये ऊपर बैठकर पूरे जंगल को देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं और यही देखते हैं यहाँ किसका शिकार हो, उसको नोच के खाएं. शेर सिर्फ 72 सेकेंड तक दौड़ सकता है. अगर ये दौड़ते दौड़ते थक जाए तो इसे 3.5 घंटे लगते हैं अपनी एनर्जी को वापस लाने में. डार्लिंग, जब से इसने ये हमारा 72 सेकंड वाला कोड बताया ना, पूरे जानवरों ने जिम ज्वाइन कर रखा है. सभी जानवर वो अर्चना और रोहित की तरह डोले लेके घूम रहे हैं. अगर हम दुनिया को इन जानवरों के बारे में नहीं बताएंगे तो इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी. अरे अगर तू हम पर ऐसा कैमरा लगाकर बैठी रही ना, नस्ल वैसे ही खत्म हो जाएगी ना, खुद बच्चे पैदा करती ना हमें करने देती है. ये लोग तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैफ और सलमान कहीं नजर नहीं आ रहे. सैफ और सलमान कौन है जी? अरे डार्लिंग, अपने बच्चों के इंसानों वाले नाम रखे हुए इन्होंने. क्या हमारा भी कोई नाम रखा है इसने? अरे मेरा नाम तो ऐसा रखा है, मैं शर्म के मारे किसी को बता नहीं सकता. क्यों? मेरा नाम रखा है शक्ति कपूर. कहा था मैंने, सर्कस में नौकरी कर लो, बंदा बनाया मीट मिलेगा. क्या था, 2 बार आग के चक्कर में से गुजरना था और पंजे जोड़कर खड़े होना था. अरे मैं जंगल का राजा हूँ, मैं पंजे नहीं जोड़ सकता. तो फिर मरो यहाँ, रहो कुत्ते बनकर. अरे यार, सर्कस से अच्छा तो चिड़ियाघर है. 9 से 5 ड्यूटी करनी है, 5 बजे के बाद चिड़ियाघर बंद हो जाता है, प्राइवेसी भी मिल जाती है. 1 मिनट में बात करता हूँ. हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी. हेलो मैडम, हाय. ओह माय गॉड, आप इंसानों की भाषा बोलते हैं? अरे जगह जगह जंगल में टीवी लगवा दिए. हमने शो देखा था 30 दिन में हिंदी सीखिए. हम हिंदी सीख चुके हैं. कैसी विडंबना है, शेर उत्कृष्ट हिंदी बोलते हैं. हमने अपनी भाषा में संशोधन कर लिया है अब. लेकिन एक बात तो जरूर है कि मैं आप दोनों से मिलने डेली आया करूंगी. मैडम सॉरी, प्लीज प्लीज, हमें अब जंगल में नहीं रहना. प्लीज आप अपना सोच लगाकर हमें किसी चिड़ियाघर में ट्रांसफर कर दीजिए. हम आपके पंजे जोड़ते प्लीज. अरे पंजे अभी तो जोड़ो, आपके आगे पंजे जोड़ते हैं. जजेस, कैसा लगा आपको इंसानों और जानवरों का प्यार? अर्चना, आई थिंक दैट ये बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट था. जितना मुश्किल कॉमेडी को जज करना है उससे कहीं ज़्यादा कॉमेडी करना है ऑफ कोर्स, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कॉमेडी को जज करते हुए बहुत 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 मुश्किल महसूस कर रही हूँ। आपका एक्ट वर्क क्यों नहीं किया? आई होप दैट रोहित कैन हेल्प मी। रोहित, इफ़ यू हैव एनी आइडियाज ऑन दिस। कॉज बहुत नोबल था या बट वो भी निकल के नहीं आया। आई थिंक टाइमिंग जब होगी जब तीन लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, टाइमिंग हो ही नहीं सकती अगर एक आदमी बैठा है और दो आदमी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर तीसरा बोलेगा और दो आदमी बैठे रहेंगे। सो आई थिंक द होल टाइमिंग वेंट फॉर अ टॉस। आइए जान लेते हैं स्कोर्स। अर्चना, फॉर वंस आई एम रियली स्टम्प्ड एंड आई हैव टू गिव यू अ 5। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली जज करना क्योंकि लोग मेहनत करते हैं एंड व्हेन दैट गोज फॉर अ टॉस इट रियली फील्स बैड, सो आई विल गिव यू अ 5। जहाँ जंगल में हो रहा है मंगल, लगा हुआ है हंसी का दंगल। जब जंगल की बात हो तो साइज डज मैटर, और जब साइज की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है अर्चना। अर्चना, डू यू थिंक डायनासोर आज भी होते हैं? क्योंकि साइज में तो सबसे बड़े वही होते हैं, और हमारे जंगल में भी एक डायनासोर है, डायनासोर जिमी, और इसी जंगल में हो गया है एक प्लेन क्रैश, जिसके कारण लाला हर्ष और उनकी पत्नी टीना पहुंच गए हैं इसी डायनासोर के इलाके में। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। अरे क्या सुनती नहीं हो, हमारा एक्सपीरियंस है, हम आपको बोलते हैं। हम बोला था उठ के मत जाओ, लेकिन नहीं सुनेंगे नहीं आजकल का बीबी लोग भी तो, हाँ? उठ के जाएंगे, गुसल खाने जाके फलस खींचा और प्लेन क्रैश हो गया तुम्हारी वजह से। अरे चुप रहो, अब जल्दी जल्दी चलो वरना शेर आके खा जाएगा। अरे अच्छा ही है ना, अच्छा ही है, तुमको खा जाएगा। क्या अच्छा होगा, हमको अभी थोड़े विधवा बनना है। जानती हो हम डिस्कवरी में देखे हैं शेर पीछे से आता है, तुम्ही को खाएगा वो। अरे वो शेर है, शेर पाकिस्तान थोड़े जो आगे से आके समझौता करेगा और पीछे से आके कारगिल करेगा। डायनासोर। अरे कौन है रे? ओ बाबा। अरे कौन हो, क्या हो बे? हमारा नाम राजू रफ्ताइल है, उम्र है 500 करोड़, गांव है जुरासिक पार्क, समझे? अरे दो दो मुंह लेकर कहाँ चल रहे हो? ये वेजिटेरियन है और हम नॉन वेजिटेरियन। चला हमको डराएगा, तुम्हारा दिया खाते हैं क्या? है लाली, इसको देख के डर लग रहा था तुमको? ना ये शेर है ना ये भालू है, बिना पहचाने कैसे डरे? हमसे शेर भी डरता है माँ जी। तब वो शेर का प्रॉब्लम है, हमरा का। अरे ये भाई एक ही एक्सप्रेशन देते हो क्या हर बात पे? क्या हो तुम, डीनो हो क्या डीनो मोरिया? ए डीनो सुन इधर आ जा। इज्जत से बुलाओ तो आएंगे, मिस्टर डायनासोर करके बुलाए तो आएंगे। साले आता है कि दू घुमा के। अरे माजी 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 प्लीज एक बार हमसे डरिए, करोड़ों सालों से डराने का धंधा कर रहे हैं हम। आतंकवादी है क्या? आतंकवादी का नाम मत लो, जब से वो ससुराल लादेन जंगल में घुसा है अमेरिका ने बमबारी कर कर हमारा जीना आराम कर दिया है। कहाँ जाए क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है बाबूजी। हमारे साथ शहर चलो, आजा। ए रुक, हाँ तुम्हारे साथ चलते। सुनिए ये शहर जाके क्या करता? हमारा कुत्ता बुढ़ा गया है ना, उसको रिटायर करके इसको रखवाली का काम दे देंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, फालतू जॉब। तो कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा? क्या करेगा, रियलिटी शो का जज बनेगा और क्या। जज बना ले क्या रियलिटी शो का? वो क्या होता है? अरे वो तेरे सामने जो बैठे वो जो है ना बैठे ना, वो देखा उनको? हाँ। वो है रोहित शेट्टी। हाँ। हाँ। और उनके साथ जो बैठी है ना वो दीदी। तो अर्चना, इस डायनासोर को देख के क्या लगता है? जिमी और हर्ष और टीना, आप तीनों के टैलेंट तो दे अनडिस्प्यूटेड, लेकिन डिफाइंड नहीं थे मुझे तीनों कैरेक्टर्स लगे। एंड आई फेल द टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ था। द होल एक्ट did not hold me as much as I would have wanted. Rohit, यार इतने serious मत हो. Life doesn't end here. Actually मुझे लगता है expectation हमारे साथ भी होता है कि एक film hit हो जाए तो अगली का सबको यही लगता है कि ये उससे बड़ी hit होगी। थोड़ा सा खिंच गया act और बेसिक था कि डायनासोर की कोई औकात रखी नहीं है, वो निकल के नहीं आई चीज़ कि डायनासोर से कोई डर नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगा कि डायनासोर को हेल्पलेस फील करना चाहिए था जो वो फील नहीं कर रहा था। I liked the end. दो जजेस की बैंड बजा दी आप लोगों ने। No, but I agree. That was the high point of the. That was the best part of your act. Best. I'm proud to say best because we were involved in that. So nevertheless, let's see. तो आइए जान लेते हैं marks. I'm very sorry to say it's still just a 6. Rohit. यार इतना सीरियस मत हो, इट्स कॉमेडी सर्कस 3। ओ बेचारे प्लीज। नहीं एक तो बढ़ा दो, इसे शकल शकल दिखता है। I'll give you a 7. जोरदार तालियां हमारे 6 के 6 ट्रायोस के लिए। हंसी के तीर चले, ठहाकों के भाले भी, कॉमेडी का तड़का भी लग गया। अब असली शिकार एलिमिनेशन। कोई एक तिकड़ी आज हो जाएगी इस कंपटीशन से बाहर। पिछली और आज के एपिसोड के जजेस और ऑडियंस के मार्क्स मिलाकर चुनी जाएगी 2 बॉटम टीम और उनमें से कोई एक जोड़ी हो जाएगी एलिमिनेट। कौन है वो 2 बॉटम टीम? ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि हमारी जूरी को हमसे क्या कहना है। रोहित, जिस फील्ड से हम आते हैं हमें मतलब एक्टर्स को चांस होता है सेकेंड टेक का, थर्ड टेक का, अगर कोई सीन अच्छा नहीं हो तो वी रीशूट दैट। यहाँ पर पूरा फॉर्मेट अलग है और आई फील सैड बिकॉज हर आदमी मेहनत करता है, ऐसा नहीं है जब ऑडियंस देखेगी तो उनको लगेगा कि क्या खराब एक्ट था या ये क्या अच्छा एक्ट है, बट मेहनत उतनी ही जाती है। हमारा जो फॉर्मेट है, हम पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कॉमेडी सर्कस सीजन 3 में 3 की तिगड़ी बनाकर। बहुत 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 मुश्किल है क्योंकि ग्रो होता है एक आदमी, मतलब कुछ मंझे हुए कलाकार हैं, कुछ पहले स्टैंड अप कर चुके हैं और कुछ नए हैं। हाँ, I would say तीनों में जो एक सुर बनना चाहिए, मुझे लगता है कि वक्त ही नहीं मिला और ऑलमोस्ट कि अभी एक को बिछड़ना है और हमें आपसे आप लोगों को बिछड़वाना है। वेल बैड न्यूज़ इज़ कि मतलब एलिमिनेशन होना ही है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम दोनों जजेस हैं तो अब जब इतना हक जता दिया आप लोगों पर तो एक और हक जताना चाहते हैं कि प्लीज़ इस बार कोई नहीं बिछड़ेगा, एलिमिनेशन नहीं होगा।